ये ठीक है। मुझे शीशे में कैद कर दिया है, मगर तू कब तक तनु को मुझसे बचाएगा? एक ना एक दिन मैं उसके शरीर में वापस आकर रहूंगी। इस बुराई ने इसके शरीर को छोड़ दिया है, इसे कमला मेंशन से कहीं दूर ले जाइए। और इसे हमेशा याद दिलाते रहिएगा कि अहंकार कितना कष्टदायी होता है। मेरी बात का बुरा मत मानना, मगर इतना शीशा देखना अच्छी बात नहीं। शीशा अहंकार को जन्म देता है। बिजनेस में तो चलता रहता है। एब्सोल्युटली नहीं यार, वही सेटलमेंट में बिजी हुए यार, शिफ्टिंग ये वो सब कुछ यार, उसी में तो बिजी हुए यार। आई नो योर ट्रीट इज पेंडिंग एंड यू विल गेट योर ट्रीट पॉजिटिवली, संभाल के। यस नेक्स्ट वीक सी यू, वहीं पर रख देना बस। श्री यहाँ पर पहले से ही बहुत मिरर्स हैं, इसे बेडरूम में रखवा दो ना। मेक सेंस, एक काम करना, वो वहाँ सामने वाले बेडरूम में रख देना। उर्मी मैं सोच रहा था कि हमारे पहले यहाँ लगता है कि एक बहुत ही सुंदर लड़की रहती होगी। उड़ी से जस्ट लुक एट इट, सब जगह शीशे ही शीशे, मेरा मेरा ऑन द वॉल। वैसे आपको अब लड़कियों के बारे में सोचना ना बंद कर देना चाहिए, शायद आप भूल रहे हैं आप दो दो बच्चों के बाप हैं। आई नो। अच्छा तुमने बच्चों के स्कूल बस ड्राइवर को कह दिया था नया एड्रेस? नहीं। ओके मैं जा रहा हूँ, रेयान और नेहा को पिकअप करने मैं जा रहा हूँ। जाओ। See you, bye. अरे क्या कर रहे हो, ध्यान से करो ना, संभाल के।
रेहान तुम खाना क्यों नहीं खा रहे हो? मुझे कल स्कूल नहीं जाना। क्यों? क्योंकि मुझे स्कूल में सब लोग हम्प्टी डम्प्टी चिढ़ाते हैं। हम्प्टी डम्प्टी क्यों? क्योंकि तब होता है। मम्मी नेहा। अच्छा रेहान बेटा मैं कल तुम्हारे टीचर के साथ बात करूंगा, ठीक है? अभी फटाफट खाना खाओ। जब तक मैं कृष जितना स्ट्रांग नहीं हो जाता तब तक मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। अच्छा उर्मी कल मेरी एक फ्रेंड लंच पर आ रही है। कौन? तुम इसे नहीं जानती, स्कूल फ्रेंड थी, बाद में यूएस चली गई। स्कूल फ्रेंड? कल एक्चुअली एक्सीडेंटली मुलाकात हो गई थी, मैं तो उसका फेस भी भूल गया था लेकिन उसने मुझे पहचाना। स्कूल फ्रेंड ही है या फिर? शट अप। तुम भी ना उर्मी, उसके सामने मेरी खिंचाई प्लीज मत करना। अच्छा ठीक है, लेकिन एक शर्त है, तुम्हें किचन में मेरी हेल्प करनी पड़ेगी। अच्छा मैडम, आपको बहुत हंसी आ रही है आज, क्यों? सॉरी डैडी। पर आप हीरो, आपको क्रिश बनना है ना, तो फटाफट अपना खाना खाइए। देखते पहले कौन सोता है, कम ऑन। पापा इस घर में इतने सारे मिरर क्यों लगे हुए हैं? मुझे पता नहीं। क्यों? क्योंकि ये मिरर्स यहाँ पर पहले से ही लगे थे। मुझे लगता है इसके पीछे कोई ना कोई रीजन है। हर पुराने घर के पीछे जुड़ी कोई ना कोई कहानी होती है। क्या इसके पीछे भी कोई कहानी है? अच्छा कैसी कहानी? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर पहले कौन रहता था और उन्होंने इस घर को क्यों बेचा? माई लिटिल एंजल, इस घर में यहाँ कोई नहीं रहता था क्योंकि वी बॉट द हाउस फ्रॉम द बैंक और हमने ये घर ऑक्शन में खरीदा था। चलो ना क्विकली गो टू स्लीप फास्ट, कल स्कूल भी जाना है ना? नहीं पापा, कल मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। रेहान go to sleep fast. Come on. Good night. Good night. Good night. श्री उठ गए तुम? श्री अरे कहाँ चला गया? श्री 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 क्या हुआ? क्या तुम मुझे क्यों डराते रहते हो? अभी बाहर हॉल में थे और अब चुपचाप यहाँ पे आके सो गए हो। पागल हो गई हो तुम? कोई सपना देखा क्या तुमने? क्या टाइम हुआ है? 8 बज गए हैं। रेहान उठो।
स्कूल नहीं जाना, 8 बज चुके हैं। प्लीज सोने दो ना। सपना देखा ना, सपने सच नहीं होते बेटा, ओके? अब सब ठीक है ना? हे भगवान, हमारी फैमिली जो है बुरे सपने फैमिली पैक में देख रही है। क्यों हीरो, तूने तो कोई सपना नहीं देखा ना? हाँ मैंने भी सपना देखा कि आज मेरे स्कूल में हॉलिडे है। स्कूल का हॉलिडे देखा? जस्ट शट अप एंड गेट अप, कम ऑन अप। मम्मी सुबह के सपने सच होते हैं ना? नहीं बेटा, सपने कभी सच नहीं होते। और श्री को मुर्गा बना दिया गया। एंड एडिंग इंसल्ट टू द इंजरी, जब ये पनिशमेंट में मुर्गा बन के बैठा हुआ था ना, नीचे किसी ने आके एक अंडा रखा। ओह गॉड, बस करो यार प्लीज अभी। अरे क्यों भाई, अभी तुम्हारी पोल खुल रही है तो तुम उसका मुंह बंद करने हो कह रहे हो? ठीक है। अच्छा दीपिका एक बात बताओ, स्कूल में श्री का कोई अफेयर था क्या? बता दूं? हां प्लीज बताओ, बता। क्योंकि मेरी कोई गर्लफ्रेंड नहीं थी, यू नो दैट। अच्छा, दैट्स इम्पॉसिबल, आई डोंट बिलीव दैट। नहीं उर्मिला, श्री सच कह रहा है, इसका कोई अफेयर नहीं था। स्कूल में श्री हार्टथ्रॉब हुआ करता था, सारी लड़कियां इसके पीछे पड़ी रहती थी, लेकिन ये किसी के हाथ ना आया, मेरी भी नहीं। You know, Urmila, you are very lucky कि तुम्हारे पास श्री जैसा हस्बैंड है। Thanks. But what about you? Oh, me? I'm a divorcee. Oh, sorry. I'm single, ready to mingle. I think खाना हो जाए। खाना वॉज लवली, बहुत ही ज्यादा लाजवाब था। थैंक्स, आती रहना दीपिका। अब तो यहाँ आना ही होगा। लिसन, तुम्हारी ये जो फ्रेंड थी ना, बहुत ही अजीब थी। अरे नहीं, उसकी प्रॉब्लम ये है कि वो बात तो हिंदी में करती है लेकिन उसके एक्सप्रेशन सारे अमेरिकन होते हैं, इसलिए तुम्हें अजीब लगी होगी। अच्छा एक बात बताओ, तुम्हें आज तक कितनी लड़कियों ने प्रपोज किया है? पंद्रह के बाद काउंट याद नहीं आ रहा है। मुझे तुमसे बात ही नहीं करनी है। उर्मी मैं मजाक कर रहा था, यू नो। तुम जाके इन लड़कियों से बात करो ना। कम ऑन।
उर्मी जरा राइस बॉल पास करना प्लीज। हेलो मैडम। सॉरी मम्मी। हेवन से कुर्मी अब तो अपना गुस्सा थूक दो यार। अरे तुम लोगों ने शुरू भी कर दिया, मेरी वेट भी नहीं की। इतनी भूख लगी थी रेहान नेहा? मम्मी आप खाना खुद ही छोड़ के गई थी। अच्छा अगर मैं नाराज हूँ तो कोई मुझे मनाएगा नहीं? सॉरी मम्मी। कल से खाना तुम्हारे डैडी बनाएंगे। वैसे आज का खाना भी मैंने ही बनाया था। रेहान मेरे दोस्त बनोगे? हाँ तुम तो मेरे जैसे ही दिखते हो। क्या तुम स्कूल जाते हो? नहीं मैं स्कूल नहीं जाता, वो बहुत बुरी चीज है। वहाँ पूरे दिन टीचर्स बोर करती रहती है। तुम मिरर से बाहर आ जाओ फिर हम लोग खेलेंगे। नहीं मैं मिरर से बाहर नहीं आ सकता, पर तुम मिरर के अंदर आ सकते हो। आओ आओ। डरो मत रेहान, आ जाओ।